ना तो एमोलेड डिस्प्ले दी और ना ही अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया भाई, ये है वन प्लस। पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट सी 3 लाइट 5G स्मार्टफोन को पोको X4 प्रो 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि वन प्लस के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ पोको के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना पोको फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन में हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। यहां ये वन प्लस ब्रांड की तरह नहीं कि सिर्फ IPS LCD देके ना काम ही मुका दिया, ये हाल है इनके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो OnePlus का स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ पोको का फोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर OnePlus का फोन ही बढ़िया है, क्योंकि ये फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। और यार अगर हमें UI में से किसी एक को भी चूज करना हो ना, तो यार जो OnePlus के अंदर हमें ऑक्सीजन OS दी गई है ना भाई, एकदम बढ़िया UI है, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। यहाँ ये पोको की तरह नहीं कि भर भर के तो आपको ब्लोटवेयर से मिल जाएंगे। चिपसेट की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं। और दोस्तों अगर आप इन फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे वन प्लस की, तो इस स्मार्टफोन का मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ पोको फोन का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा ना भाई, वही काफी अच्छी फोटोज और वीडियोज आपकी क्लिक कर देगा। यहां ये OnePlus में मैक्रो डेप्थ 2-2 मेगापिक्सल के भाई यूजलेस कैमरा, इनका कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह पर अगर OnePlus ब्रांड वाले 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देते ना यार, तो ज्यादा बढ़िया रहता। कभी नहीं देता है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना, डेफिनेटली आप यहाँ पर पोको की तरफ ही जरूर से जाइए। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं भाई, एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक भी हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही दोस्तों सिक्योरिटी के लिए भी दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि OnePlus स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 22000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ पोको फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19000 रुपए। लेकिन यार अभी ना फ्लिपकार्ट वगैरह पे इसका रेट आ रहा है 21500 रुपए, तो दोस्तों सही टाइम आने पर ही आप इस स्मार्टफोन को बाय करना। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए भाई अगर आपका बजट है 19000 रुपए तक का, और उसमें अगर आपको एकदम बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए ना कंटेंट वॉचिंग चिपसेट सारी चीजों के मामले में, डेफिनेटली आप यहां पर पोको X4 Pro 5G की तरफ जरूर से जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 22000 रुपए OnePlus Lite के लिए इन्वेस्ट करने के बजाय ना भाई आप OnePlus Note CE 2 स्मार्टफोन ले लेना, वो स्मार्टफोन सारे सेगमेंट में ना काफी ज्यादा बढ़िया है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।